छात्रों, आज अपन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज की जो शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है वो अपन पहले लाप्लास की कर चुके, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं अपन। लाप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी एंड जी एक्स इज इक्वल टू मंजिला ब्रैकेट एफ एक्स माइनस ए कॉलन जब एक्स ग्रेटर देन ए है, जीरो कॉलन एक्स लेस देन ए है। दिस इम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए पी मल्टीप्लाइड बाई एफ पी। इसका प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं। तो लाप्लास ऑफ जी एक्स स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी एक्स जी एक्स डी एक्स। इसको अपन ने तोड़ दिया जीरो टू ए में, ए टू इन्फिनिटी में। तो जीरो टू ए की वैल्यू अपने को पता है, जब एक्स लेस देन है तो जी एक्स की वैल्यू जीरो है, और ए टू इन्फिनिटी में एफ एक्स माइनस है जी एक्स की जगह जो दिया गया है। तो द्वितीय समाकल में अपन ने एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो लिमिट इसकी जीरो टू इन्फिनिटी होगी। अब अपन ई रेज टू माइनस पी ए को बाहर निकाल दिया, देन मल्टीप्लाइड बाई जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसको अपन ने एफ पी लिख दिया। थर्ड प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, माप परिवर्तन प्रगुण। लाप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी दिया है। दिस इम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ एफ ए एक्स इज इक्वल टू वन बाई ए एफ पी बाई ए। स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ। लाप्लास ऑफ एफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ए एक्स डी एक्स। आर एच एस के समाकल में अपन ने ए एक्स इज इक्वल टू टी लिया, तो एक्स इज इक्वल टू टी बाई ए, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए, देन लाप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी हो गया, और इसको अपन ने हल कर लिया तो इज इक्वल टू वन बाई ए एफ पी बाई ए आ गया। अब अपन ने बच्चों के लिए थोड़े एग्जाम्पल दिए, जैसे नंबर पहला एग्जाम्पल है उसमें ए पार्ट है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का लाप्लास करना, और सेकंड में है साइन स्क्वायर थ्री एक्स का लाप्लास निकालना, और सी में है साइन फाइव एक्स इंटू साइन थ्री एक्स का। तो बच्चों मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लाप्लास ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का अपने को लाप्लास करना है। तो ये इसको क्या करेंगे, अपन लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ए पीछे रख लेंगे लाप्लास ऑफ वन का कर लेंगे, प्लस बी पीछे रख लेंगे लाप्लास एक्स का कर लेंगे, प्लस सी पीछे रख लेंगे लाप्लास एक्स स्क्वायर। तो टेबल के अनुसार एक एक का मान रख देंगे। सिमिलरली बी पार्ट है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर थ्री एक्स, इसको अपन चेंज करेंगे वन माइनस कोस सी एक्स अपॉन टू का, फिर वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी से एक एक का निकाल लेंगे। लाप्लास ऑफ साइन फाइव एक्स इंटू साइन थ्री एक्स का निकालेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू साइन एक साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कन्वर्ट कोस में हो जाएगा, और फिर एक एक का अपन लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कर लेंगे। एग्जाम्पल टू है, पहला टू का पहला पार्ट है ई रेज टू माइनस फोर एक्स कोस हाइपरबोलिक ऑफ टू एक्स, बी पार्ट है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स, सी पार्ट है कोस हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स इंटू कोस ए एक्स। तो अपन पहले सबसे पहला पार्ट अपन ए का हिंट में दे देता हूँ आपको, लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ऑफ टू एक्स का अपन जानते हैं पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस फोर, ये एफ पी हो गया। तो पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया अपन ने और इसको हल कर सकते हैं अपन। तो एक एक का अपन मान रख करके हल कर सकते हैं, जैसे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है इसको भी खोल लेंगे, इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का भी खोल करके अपन कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों चीज़ों को, फिर टू कोस ए कोस बी का निकाल लेंगे। अब अपन बच्चों के लिए उदाहरण कुछ दे देते हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा बच्चों के करने के लिए। अब अपन करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अवकलजों के लाप्लास रूपांतरण। पहली थ्योरम ऐसे तो वो है लाप्लास एफ एक्स दिया हुआ अपने को एफ पी एंड एफ डैश एक्स इज ऑफ क्लास ए, देन लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई एफ माइनस एफ जीरो। तो इसके प्रूफ के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन,
ई रेज टू माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट कर लेते हैं। ई रेज टू माइनस पी एक्स फर्स्ट होगा और एफ डैश एक्स सेकेंड होगा। इसको अपन हल कर लेते हैं, पहले वाला निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी एक्स एफ एक्स माइनस एफ जीरो प्लस पी लाप्लास ऑफ एफ एक्स। लाप्लास की शर्त के अनुसार चर घातांक की क्रम ए का है जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मान जीरो हो जाएगा जब पी ग्रेटर देन जीरो ए होगा। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू पी एफ पी माइनस एफ जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अपन जैसे एफ डबल डैश एक्स का करेंगे, एफ ट्रिपल डैश का करेंगे और एफ एन का करेंगे, तो सबको सिमिलरली अपन करेंगे। तो डबल का हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। और यदि ट्रिपल का करें तो लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू पी क्यूब एफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ जीरो माइनस पी एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। तो सिमिलरली अपन सब का कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी एन के लिए अपन करें, मान लो लाप्लास ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू एन एफ माइनस पी रेज टू एन माइनस वन एफ जीरो माइनस पी एन माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस डॉट डॉट माइनस एफ एन माइनस वन जीरो। इस तरह से अपन एन का कर सकते हैं। अब एक थ्योरम लेते हैं अपन, लाप्लास ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। लाप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी दिया हुआ है, तो लाप्लास ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स का क्या होगा, माइनस एफ डैश पी या इक्वल टू माइनस डी बाई डी पी ऑफ एफ पी। सेकेंड पार्ट है इसका, लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश पी। स्टार्टिंग करते हैं सब पहले से, एफ पी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। नंबर एक रखा, दोनों पक्षों का पी के सापेक्ष अवकलन किया, तो डी बाई डी पी लगा दिया अपन समाकलित चिन्ह में, चिन्ह के अंदर अंतर्गत अवकलन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी डेल्टा बाई डेल्टा पी में चेंज कर लिया ई रेज टू माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जीरो टू इन्फिनिटी, इसको विद रेस्पेक्ट टू पी पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया और एक्स ई रेज टू माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स आ गया इक्वल टू माइनस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स आ गया। इट मीन्स एफ डैश एक्स एफ डैश पी इज इक्वल टू माइनस लाप्लास ऑफ एक्स एफ एक्स। इट मीन्स लाप्लास ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश पी इक्वल टू माइनस डी बाई डी पी ऑफ एफ पी। सेकेंड है लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स, तो इसको पहले लिखेंगे एक्स बाहर लिखेंगे फिर एक्स एफ एक्स का लिखेंगे, तो माइनस डी बाई डी पी बड़ा ब्रैकेट माइनस एफ डैश पी, तो लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स का एफ डबल डैश पी आ जाएगा। और एक थ्योरम करते हैं डिवीजन बाय एक्स, यदि तो मल्टीप्लिकेशन का था, डिवीजन करें लाप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी। इट दिस इम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी एफ यू डी वी डी यू प्रोवाइडेड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन एक्स एग्जिस्ट। माना जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स। दोनों पक्षों का लाप्लास रूपांतरण लेने पर लाप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। लाप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी पी लाप्लास ऑफ जी एक्स, तो एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी पी लाप्लास ऑफ जी एक्स। दोनों पक्षों का पी के सापेक्ष समाकलन किया अपन ने, तो लाप्लास ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पी इंटीग्रल लिया अपन ने एफ पी डी पी, देन लाप्लास जी एक्स की वैल्यू रख दी अपन ने, तो एफ एक्स अपॉन एक्स का इज इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू। अब अपन एग्जांपल लेते हैं इस पर आधारित, जैसे एक्स स्क्वायर कोस एक्स का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिए, तो लाप्लास ऑफ कोस एक्स का अपने को पता है पी बटा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ पी। तो सबसे पहले अपन ने लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स का किया, तो एक्स स्क्वायर इसलिए अपन ने डी टू अपॉन डी पी टू लाप्लास ऑफ कोस एक्स डी टू अपॉन डी पी टू पी बटा पी स्क्वायर, मतलब दो बार विद रेस्पेक्ट टू पी डिफ्रेंशिएट करना है,
तो अपन ने हल कर लिया। सिमिलरली एक्स ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, तो साइन बी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को पता है बी बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपन ने एक्स साथ में लिया पहले, लाप्लास ऑफ एक्स साइन बी एक्स का अपने को पता है माइनस डी बाई डी पी ऑफ बी बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी बाई डी पी कर लेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज अपन ने ई रेस टू एक्स भी लाप्लास ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स का किया, तो यहाँ पी की जगह पी माइनस ए आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन करें तो दिया हुआ है कि लाप्लास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी, देन एफ एक्स इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। तो इसे संकेतन में भी ये लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लैल इनवर्स ऑफ एफ पी। सिमिलरली अपन आगे चलेंगे, नल फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इफ एन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट जीरो टू एक्स इंटीग्रल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एन एक्स आपके शून्य फलन कहलाता है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रतिलोमी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अद्वितीयता, मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी होता है, लेट एफ टी बी ए पीस वाइज कंटिन्यूस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल, टी लाइज बिटवीन जीरो टू ए एंड इज एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फॉर टी लेस देन ए, देन द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ऑफ एफ पी इज यूनिक। इफ लाप्लास ऑफ एफ वन एक्स इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टू एक्स देन एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। ये आपके लर्च का थ्योरम है। अब प्रतिलोमी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अपन पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी है जैसे लाप्लास की थी वैसे की वैसी इनवर्स लाप्लास की है, एल इनवर्स सी वन एफ वन पी प्लस सी टू एफ टू पी इज इक्वल टू सी वन बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स पहले का ले लेंगे प्लस सी टू दूसरे वाले का एल इनवर्स लेंगे, सी वन एफ वन एक्स प्लस सी टू एफ टू एक्स चाहे सी वन सी टू कोई अच्छा रहो, तो लाप्लास ऑफ एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ वन पी, लाप्लास एफ टू एक्स इज इक्वल टू एफ टू पी। तो सिंपल है बिल्कुल ही लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सिंपल लाप्लास की तरह पहले लाप्लास करेंगे दोनों का इनवर्स ले लेंगे इजीली हो जाएगा। अब इनको अपन ने जितने भी लाप्लास इनवर्स लाप्लास किए हैं उनको अपन दिखाते हैं एक सारणी के रूप में बच्चों की याद रखने के हिसाब से। तो सीरियल नंबर लिखते हैं पहले सारणी में, फिर दूसरा एफ पी लिखते हैं, सेकेंड में एफ एक्स इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ पी। तो यदि एफ पी अपने को दिया हुआ है एक बटा पी तो उसका इनवर्स लाप्लास एक होगा, इसी तरह से एक बटा पी रेस टू एन प्लस वन है एन इज इक्वल टू जीरो वन टू है, तो एक्स रेस टू एन अपन फैक्टोरियल एन और एक्स रेस टू एन अपन गामा एन प्लस वन। सिमिलरली थर्ड लिया अपन ने वन अपॉन पी माइनस है तो ई रेस टू एक्स होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और चौथा लिया वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाई ए साइन एक्स, और इसी तरह से पी अपॉन पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है तो उसका कोस एक्स होगा, वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वन बाई ए साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, और सातवां लिया पी बटा पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है तो उसका कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। सबसे पहले अपन एल इनवर्स ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लेते हैं एफ पी इज इक्वल टू एफ एक्स है, देन सिंप्लाइज दैट एल इनवर्स ऑफ एफ पी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ एक्स। एल इन दिस इंप्लाइज दैट एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एल इनवर्स एफ पी माइनस ए। अपन प्रूफ के लिए जानते हैं कि एफ पी इज इक्वल टू क्या होता है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो पी माइनस ए लिखा अपन पी की जगह दोनों जगह लिख दिया, ई रेज टू माइनस पी एक्स को अपन ने बाहर ले लिया और ई रेज टू एक्स एफ एक्स लिया, तो एफ पी माइनस ए इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई रेज टू एक्स एफ एक्स हो गया। लाप्लास का अपन ने इनवर्स कर लिया तो एफ पी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ एक्स, ई रेज टू माइनस इसको लेफ्ट में ले लिया तो ई रेज टू माइनस एक्स एल इनवर्स एफ पी माइनस ए इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ पी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एफ एक्स माइनस ए वैन एक्स इज ग्रेटर देन ए जीरो वैन एक्स इज लेस देन ए, देन एल इनवर्स ऑफ ई रेज टू माइनस ए पी इन टू एफ पी इज इक्वल टू जी एक्स। परिभाषा के अनुसार अपन ने प्रूफ के लिए एफ पी इज इक्वल टू दिया हुआ है
दोनों तरफ ई रेज टू माइनस ए पी से मल्टीप्लाई कर दिया और x प्लस ए को अपन ने मान लिया u, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी यू हो गया। इसी तरह से इंटीग्रल करके अपन ने लाप्लास ऑफ जी एक्स आ गया, तो एल इनवर्स ऑफ ई रेज टू माइनस ए पी इंटू एफ पी इज इक्वल टू जी एक्स।